कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आना भी लगभग तय माना जा रहा है। संक्रमण की दर और टीके की कमी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। इस वजह से अभिभावकों में काफी दहशत और भ्रम की स्थिति है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि माता पिता को वायरस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं होगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोविड की आगामी लहर में बच्चों में काफी संक्रमण फैलेगा या उनमें ज्यादा मामले आएंगे। क्यों है बच्चों पर खतरा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चे इस वायरस की चपेट में ज्यादा आएंगे। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर तक देश में ज्यादातर वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। ऐसे में ये लोग बच्चों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। वहीं बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लग पाई है। अभी तक जो कोरोना वैक्सीन बनी है उनका ट्रायल 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ही किया गया है। कैसे रोक सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर? देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आने की चेतावनी देने वाले केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बताया कि अगर हम मजबूत उपाय करते हैं तो ऐसा संभव है कि देश में अगली लहर कहीं ना आए। विजय राघवन ने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो तीसरी लहर सभी जगहों पर या वास्तव में कहीं भी नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि स्थानीय राज्यों, जिलावार और शहरों के स्तर पर सभी जगह किस तरह से प्रभावी गाइडेंस का सख्ती से पालन किया गया है। वही रणदीप गुलेरिया ने कहा, अगर हम पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों को देखते हैं तो ये काफी मिलता जुलता है। ये दिखाता है कि बच्चे सामान्य तौर पर सुरक्षित हैं और अगर उनमें संक्रमण होता भी है तो उनमें मामूली संक्रमण आता है। वायरस बदला नहीं है, इसीलिए इस तरह के संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है कि आगामी लहर में बच्चों में इसका गंभीर संक्रमण होगा या उनमें ज्यादा मामले आएंगे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।